हमारे लाइफ में बदलाव बहुत जरूरी है. चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. नाउ बहुत लोग बोलेंगे कि जब कोई चीज बदलता है तो प्रॉब्लम होता है. एक्चुअली नहीं, जब चीजें बदलते हैं तो बेटर होते हैं. चीजें बदलना चाहिए, सिचुएशन बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, नए नए चीजें होने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, और बदलाव बहुत जरूरी है. नाउ यहां पे भी बदलाव हुआ है. यहां पे पहले हमारा एक सिक्लिट टैंक हुआ करता था. ओके नाउ ये अगेन सिक्लिट टैंक ही है, लेकिन हमारे साउथ अमेरिकन सिक्लिट्स के लिए. नाउ ये साउथ अमेरिकन सिक्लिट्स मेरे बड़े टैंक में थे. ओके जो 4x4x4 टैंक में वहां पे थे, बच्चे डाल रहे थे, बहुत सुंदर थे, एक कॉलोनी बन गया था उनका. तो मैंने डिसाइड किया उसको निकालेंगे और ये टैंक में डालेंगे, उनको अलग सा टैंक देंगे ताकि वो अच्छे से ब्रीड कर सके और अपना खुद का जगह बना सके. ओके नाउ आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे हमने फिश पकड़ा, यहां पे शिफ्ट किया, ये पूरा टैंक सेट किया, रेडी किया, क्या क्या किया ये टैंक के साथ, वगैरह वगैरह. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब में कि मैं एक फिश ओनली टैंक का सेटअप नहीं दिखाता हूं, ये वीडियो आप सबके लिए है. ये फिश ओनली टैंक है, बायोटोप है, ब्यूटिफुल एक्वास्केप भी है, सेटअप भी है. एंड इस एक्वास्केप के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे सेट करने वाले हैं, क्या एडिशंस होने वाला है, ये सब आप देखने वाले हो. ओके चलो सो हमारा एपीआई के ऑफिस में, एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया के ऑफिस में, ये जो बड़ा टैंक है, पहले एंजल्स हुआ करते थे, फिर एंजल्स हमने मूव कर दिए. अभी यहां पे साउथ अमेरिकन सिक्लिड स्पीसीज है, गुआना कारा. गुयाना या वेनेजुएला एरियाज में, साउथ अमेरिका में मिलता है. इंटरेस्टिंग, बैंडिट सिक्लिड भी बोलते हैं. एंड ये अभी ब्रीड हो रहे, तो इसको मैंने निकालना है और अलग टैंक इनको देना है ताकि ब्रीडिंग अच्छा हो. ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज करना. उनको अपना खुद का जगह मिलेगा तो बहुत मजा आएगा, उनको भी और मुझे भी. तो आज के इस वीडियो में यहां से हम पूरा निकालेंगे और एक नया टैंक सेटअप करेंगे उनके लिए, एक बायोटोप सेटअप करेंगे. एंड दैट इज द होल वीडियो. ये टैंक में क्या करने वाले हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वो भी मैं दिखाता हूं. ऑफकोर्स बहुत जल्दी ही दिखा दूंगा बिकॉज वो काम अभी हो रहा है. पहले हम इसमें मछली पकड़ते हैं. नहीं नहीं, पहले अलग से टैंक सेट करेंगे, फिर मछली उसमें डालेंगे. चलो जब ये फिश लेके आया था, मैं भी शायद कंफ्यूज था बिकॉज कुछ वीडियोस में मैंने ये भी बोला है कि वो जियोफैगस स्पीशीज है, बट मुझे लगता है वो गियानाकारा है. अगेन अमेरिकन सिक्लिड, जियोफैगस भी तो अमेरिकन सिक्लिड ही है. ओके सो अभी क्या सिमिलर स्पीशीज है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ये सिक्लिड स्पीशीज है, साउथ अमेरिकन सिक्लिड है. एंड जितना भी साउथ अमेरिकन रिवर्स है, अमेजोन हो, रियो निग्रो हो, जो भी है, या ट्रिब्यूटरीज हो, वहां पे ज्यादातर नीचे सैंड होता है. एंड ये जो फिश है, इधर वो ब्लैक वाटर्स मतलब टैनिन ज्यादा, या इवन क्लियर वाटर, बट जनरली नीचे सैंड होता है. सैंड इजी टू फ्लो या इजी टू पिकअप बिकॉज सिक्लिड्स है, मुंह में उठा के दूसरे जगह डालते रहते, खोदते रहते, तो इजी होना चाहिए, तो ऐसा एक सैंड यूज करें. ये वाला सैंड ऑलरेडी यहां पे था. यहां पे हमारा सिक्लिड टैंक था पहले, पूरा स्टोन्स के साथ हमने सिक्लिड टैंक बनाया था, बहुत सुंदर था. उसमें हमने मलावी सिक्लिड्स डाले थे, वो सिक्लिड्स बहुत बड़े हो गए एंड टैंक छोटा होने लगा. तो उन सिक्लिड्स को हमने अगेन हमारे ही कोई दोस्त या फ्रेंड ने एक बड़े टैंक में शिफ्ट करवा लिया, तो वो वहां पे मस्त घूम रहे. नाउ ये टैंक में मुझे चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग वुड. एंड हमेशा की तरह मुझे एक वो क्या बोलते हैं ना,
वाव फैक्टर चाहिए हर एक टैंक में, इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए, तो मैं सैंड में डाल चुका हूं। ठीक है, यहां पे सैंड अगर 1 इंच का थिकनेस है या 1 इंच सैंड है तो अच्छा है, बिकॉज सिक्लिड्स खोदते हैं, वो कोई भी स्टोन हो कुछ के नीचे खोदेंगे और बच्चे डालेंगे वहां पे, वो नेचुरल रहता है। एंड उनके लिए कन्वीनियंस के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए ये हमने सैंड यूज किया है। नाउ इसमें वुड डालेंगे, स्टोन्स डालेंगे एंड ये सेटअप फटाफट रेडी करेंगे। चलो नाउ ये मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग वुड है। ठीक है, ये वुड स्टंप या रूट स्टंप बोलते हैं इसको, एंड मैं ये यूज करने वाला हूं। थोड़ा ड्रामेटिक करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, देखेंगे। नाउ जरूरी है कि ये टैंक और वुड के बीच में थोड़ा गैप हो, मेंटेनेंस के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस है, बड़ा भी है और इसमें ये गैप भी है, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये सेंटर पीस जैसा बहुत सुंदर दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स इसके नीचे गैप्स बन रहे हैं, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहां पे सिक्लिड्स अंदर छुप सकते हैं, बेबीज को रख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। वाव फैक्टर है ना, देखते ही लगता है कि वाव। जब सही वुड यूज करें एंड वो सही बैठ जाता है तो बहुत मजा आता है। अभी मैंने कुछ वुड आगे पीछे थोड़ा टिल्ट किया है, थोड़ा वो डेप्थ वगैरह इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। मुझे तो लगता है ये इंटरेस्टिंग है। इसके लिए थोड़ा स्टोन्स वगैरह लगेगा, थोड़ा सपोर्ट के लिए थोड़ा वो स्टोन्स वगैरह डालते हैं, एंड देन वी विल सी हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, एंड याद है ना, फटाफट काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है ताकि फिश हम इसमें जल्दी डाल सके। ठीक है, ओके, नाउ फिश बहुत जल्दी डालेंगे, देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, लेआउट रेडी, वुड रेडी, स्टोन सैंड पूरा रेडी है। नाउ बहुत लोग मेरे से पूछने वाले हैं कि आप अगर डायरेक्टली इसमें फिश छोड़ने वाले हो तो टैंक तो साइकिल हुआ ही नहीं। वैलिड क्वेश्चन है, ये करेक्ट भी है, टैंक साइकिल हुआ नहीं है। बट आप ये बात बोल रहे हो कि ऑलरेडी मैं एग्जिस्टिंग टैंक से लेके ये टैंक में फिश डालने वाला हूं, उधर का पानी मैं ऑलरेडी भर के रख चुका हूं इसके लिए, तो मैं पुराना पानी ही यूज कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत नया पानी मिक्स करूंगा। नाउ इसका जो फिल्टर जो है ना, वो बड़े टैंक में ऑलरेडी चल रहा था, ओके, हफ्ते 10 दिन से चल रहा था, उसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हो रहा है, ओके, और वो फिल्टर साइकिल है, पानी पुराना थोड़ा नया एंड साइकिल्ड फिल्टर चालू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा और बैक्टीरिया ऐड करेंगे, हमारा एपीआई का वाटर केयर ऐड करेंगे। ठीक है, सेटअप होने के बाद तो वो साइक्लिंग जल्दी हो जाएगा और फिश कंफर्टेबल रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स फिश के लिए डीस्ट्रेस करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ डालेंगे, बट आपको देखते रहना पड़ेगा। नाउ इतना सारा वुड डाला है, वुड तो लाइट होता है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हमने स्टोन्स दिया है ताकि वुड और स्टोन को चिपका सके और थोड़ा वेट बना सके वुड को अंदर, पानी के अंदर रखने जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड फ्लोट होता है। तो ये कुछ स्टोन्स जो है ये बहुत जरूरी है ताकि उसको हम एंकर करें, नीचे के स्टोन में भी चिपकाएंगे, ये स्टोन्स में भी चिपकाएंगे और वुड नीचे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आराम से करना है, पेशेंस का काम है, बट अगेन बच्ची हमने पकड़ के रेडी रखा है, फिर भी फटाफट फिनिश करना है। ओके, नाउ बेटर सिचुएशन है कि आप एक दिन पहले ये काम करें फिर मछली पकड़े, वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारे सिचुएशन में हमें वो टैंक भी खाली करना था,
और ये भी रेडी करना था, तो थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, बट जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं है। अभी हमने ये वुड और स्टोन चिपकाने के लिए ग्लू और सॉइल यूज किया है। सॉइल गंदा करता है, ये सब डस्ट सॉइल का है, प्लस वुड के ऊपर भी बहुत डस्ट रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा आइडिया है कि पानी भर के, नाउ एक साइड से मैं पानी भर रहा हूं, सी, एंड एक साइड से संदीप पानी उतार रहे, मतलब जो भी कचरा है वो निकल रहा है। ओके, दिस इज वन गुड वे टू डू इट। आप अकेले हो तो यहां पे एक फिट कर सकते हैं एंड एक तरफ से पानी निकाल सकते हैं, तो कचरा पानी निकल जाएगा एंड नया पानी आता रहेगा। ओके, तो अभी पानी पूरा भर गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुड कुछ भी उठ नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी ये पानी पूरा निकालना है एंड पुराना टैंक का पानी डालना है, बिकॉज फिश डालना है। ओके, फिश डालेंगे एंड उसके बाद जब वो फिश पूरा सेटल हो जाए फिर मैं बताऊंगा कि बाकी हमने क्या क्या किया है, क्या फीड करने वाले हैं, कैसे वो एडजस्ट होने वाला है, एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम एक्वा एल 2000 फिल्टर यूज कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ये फिल्टर 10-15 दिन से हमारे बड़े टैंक में चल रहा था, अभी यहाँ पे फिट करेंगे। वहां से निकाला है, संदीप पूरा चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे हम उसको फिट कर देंगे। तो फिल्टर फिट हो रहा है, टैंक का पानी इसमें जाएगा, नॉट एन इशू। फिल्टर रेडी करेंगे और पानी एक तरफ से भर रहे हैं, पानी एक तरफ से निकाल रहे हैं, एंड फिल्टर भी सेट हो रहा है। सो फिल्टर फिट रेडी, अब इसको बंद करेंगे ताकि जब हम नया पानी डालें तो ऑन करके रेडी कर सकते हैं। नो, हमने गंदा पानी पूरा निकाल दिया है एंड जैसे आपको दिख रहा है संदीप, हमारे पुराने टैंक का पानी जो हमने बचा के रखा था ये टैंक के लिए, वो डाल रहे हैं। अब यूजुअली संदीप को आदत है स्लो डालने का, बट यहाँ पे सिर्फ वुड और स्टोन होने के वजह से थोड़ा फास्ट फास्ट डाल रहे हैं, बट फिर भी याद रखो सैंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड जैसे आपको नजर आ रहा है पानी बहुत ही क्लियर हो चुका है, एंड ऑफकोर्स फिल्टर भी ऑन हो गया है तो फटाफट क्लीन हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर आप डायरेक्ट नल का पानी यूज करते हो तो क्लोरीन रिमूवर डालना मत भूलना। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने टैप वाटर मिक्स किया है तो उसके हिसाब से हम थोड़ा क्लोरीन रिमूवर डाल रहे हैं। ये एपीटी का प्योर है, वेरी गुड क्वालिटी क्लोरीन रिमूवर, तो ये उसके हिसाब से डाल रहे हैं, बिकॉज हमने काफी हमारा पुराना टैंक से पानी रखा था और थोड़ा बहुत नया पानी भी हमने यूज किया है। नाउ संदीप यहां पे एडीए का बीटा मिक्स डाल रहे हैं ताकि फिश को स्ट्रेस ना हो, फिश स्ट्रेस में आ सकता है, तो एडीए का जो बीटा मिक्स है ये अच्छा क्वालिटी का डी स्ट्रेस करता है, फिश को हेल्थी रखता है, एंड गुड प्रोडक्ट हाल ही में, बट आजकल मिलता नहीं है, अगर मिल गया तो यूज कर लो। अभी हमने क्लोरीन रिमूवर डाला, ओके, अगर थोड़ा भी क्लोरीन है तो निकालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एडीए का वीटामिक्स डाला। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीटामिक्स डालना है, आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का डी स्ट्रेस करने के लिए, जैसे स्ट्रेस जाइम हो, स्ट्रेस कोट हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप इज वाटर टेस्ट करना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम ईशा का ये टेस्ट किट यूज कर रहे हैं, इसमें ऐसे स्ट्रिप्स आते हैं, ओके, बहुत सिंपल सा है, स्ट्रिप को पूरा डिप कर दो, ओके, और दो मिनट छोड़ दो, फिर बाद में हम टेस्ट करेंगे कि पानी का क्वालिटी कैसा है। अभी दो मिनट इसको अलग रखते हैं और एक और काम है जो करेंगे। सो नाउ एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है,
रॉक सॉल्ट ओके। मेरे पास यहां पे एक 50 ग्राम कुछ रॉक सॉल्ट है, बड़ा टैंक है 4x1.5x1.5। मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूं ओके, थोड़ा सा ही डाला, शायद एक मुट्ठी भर डाला है मैंने ओके, उससे ज्यादा नहीं, एंड दैट्स इनफ। नाउ सॉल्ट क्यों डालना है उसके लिए वीडियो है, आप देख सकते हो। सॉल्ट इज वेरी गुड, सॉल्ट एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है, डिस्ट्रेस भी करता है, पानी को थोड़ा कंडीशन भी करता है। पानी से याद आया, देखो अभी पानी क्रिस्टल क्लियर, गंदे से पूरा क्लियर हो गया है, सब चालू है, फिल्ट्रेशन चालू, एवरीथिंग इज गुड ठीक है। सो अभी हम जो टेस्ट किट हमने टेस्ट किया था, चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है पानी का। ये टेस्ट किट, एंड चलो देखते हैं। नाइट्रेट जीरो है ठीक है, हमें चाहिए क्लोरीन, क्लोरीन भी जीरो है, देखो जीरो जीरो, 6.5 पीएच के आसपास है, और केएच भी 3 और 6 के आसपास है, विच इज प्रीटी गुड ओके। ये सब नॉट एन इश्यू, नाइट्रेट नाइट्राइट सब ठीक है। सो बेसिकली अपना पानी रेडी है, मतलब फिश डाल सकते हैं ओके। नाउ हमेशा मैं बोलता हूं फिश को आराम से डालना है पकड़ के, ताकि उनको फिर से स्ट्रेस ना हो। तो चलो फिश डालते हैं, अभी हम फिश को पकड़ रहे हैं ताकि हम दूसरे टैंक में डाल सके ओके। अभी इतना बड़ा टैंक में फिश को पकड़ने के लिए अंदर उतरना पड़ता तो है ही ओके। अभी संदीप को अंदर डाला है आराम से फिश पकड़ने के लिए, इसमें टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, अगर ये जानो कि कैसे काम करना है, आराम से करना है बस। तो अभी टैंक से लेके इन फिश को पकड़ के हम यहां पे इस थर्मोकोल के बॉक्स में रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पास में आओ, जरूरी है कुछ हाइडिंग स्पेसेस बने ताकि स्ट्रेस आउट ना हो। देखो फिश इधर है, थोड़ा वो हाइड कर रहे हैं वुड के बाजू में, एंड एयर पंप चालू रहना चाहिए, ये देखो एयर पंप चालू रहना चाहिए, बिकॉज अगेन ऑक्सीजन कम हो गया तो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अगर आपको कवर करना है वो भी कर सकते हैं ठीक है। नाउ हमने इसमें फिश रखा था, नाउ फिर से बता रहा हूं, हमने जल्दी जल्दी में पूरा टैंक सेट किया, 1-2 घंटे में पूरा टैंक सेट किया, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। बेटर आइडिया होगा कि आप पहले टैंक सेट करें, पूरा साइकिल करें, 15 दिन साइकिल करें, फिर आप अपना फिश लेके आए। नाउ हम जानते हैं कि क्या करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा है तो हम लोग ये कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाऊं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, एंड टैंक को साइकिल करना बहुत जरूरी है ओके। नाउ ये मैं एक बहुत ही सॉफ्ट नेट यूज कर रहा हूं, जाली जाली वाला नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, फिश को इफेक्ट नहीं होगा, हल्के से हम, आप एक एक ही पकड़ो नो प्रॉब्लम, आराम से पकड़ो, और जरूरी है कि फिश भी आराम से थोड़ा ना, ये फड़फड़ाएंगे दैट इज नॉर्मल, बट अपने आप से वो बाहर आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम देयर। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। फिश हमने डाल दिया है, थोड़ा उनको टाइम देते हैं सेटल होने के लिए ठीक है, एंड आई एम श्योर वो बहुत एंजॉय करेंगे इस नए टैंक को। नाउ जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये डल दिख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, इट इज नॉर्मल, अभी इतना सारा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, बट एडजस्ट हो जाएंगे। ये स्ट्रेस्ड आउट है कैसे पता चलेगा, इसका ब्रीदिंग देखो थोड़ा फास्ट है, ब्रीदिंग फास्ट है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा स्ट्रेस है ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो आप नजर से देख सकते हो, इसका भी देखो ब्रीडिंग फास्ट है, फिन्स डाउन है, ये ब्लैकिश कलर आ रहा है, ये सब स्ट्रेस के आसार है। नाउ एक दिन में वो सेटल हो जाएंगे। नाउ लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिश को आज खाना मत दो, जब ऐसे ट्रांजिशन होता है, शिफ्ट होता है, नए टैंक में आता है तो खाना मत देना, एक दिन छोड़ के खाना देना। अब खाना देने से स्ट्रेस बढ़ेगा ओके, तो खाना नहीं देना इज अ वेरी गुड आइडिया। एक दिन छोड़ेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, नेक्स्ट डे अगले दिन आप थोड़ा खाना खिलाओ, एंड
एक दो दिन छोड़ के नॉर्मल खाने पे लेके आओ, ठीक है। हमेशा गुड क्वालिटी खाना यूज करो, इट इज ऑलवेज गुड। नाउ ये टैंक में एडिशंस क्या है, ये सेटअप होने के बाद मेरे को लग रहा है बिकॉज ये साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स है, प्लांट्स खाएंगे नहीं, तो ये पूरा स्टोन्स के ऊपर और वुड के बीच में मैं पिनाटी फीडर डालना चाहता हूं, और यहां पे एक नया ब्रांड का लाइट डालने वाला हूं, ये स्काई लाइट नया है, एंड इसको हाइपर स्पॉट बोलते हैं, स्पॉटलाइट जैसा है, बहुत सुंदर आएगा बिकॉज ये जो जब स्पॉट्स गिरेगा तो पानी का जो शिमर है बहुत सुंदर दिखेगा, प्लांट्स ग्रो करने के लिए भी हेल्प करने वाला है। यहां पे ये कॉलोनी में मेरे हिसाब से एक चार फीमेल या पांच फीमेल दो मेल ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन, बट देखना पड़ेगा, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और फीमेल सेट है, ब्रीडिंग पेयर है, बाकी के जितने हैं वो कैसे पेयर बनाएंगे, क्या सेट होगा, ये देखने वाली बात है। वीडियो के आखिर में आप देखोगे कि कैसे हमने लाइट्स चेंज करके नया लाइट्स डाला है, क्या होने वाला है, ये सब आप वीडियो के आखिर में देखने वाले हो, ओके। एंड में देखो, पूरा मैं दिखा दूंगा पूरा टैंक, एंड ऑफकोर्स ये पूरा फिश तब तक सेटल हो चुके होंगे, सो मे बी कल शूट करेंगे उसको, एक दिन छोड़ के शूट करेंगे, बिकॉज देन फिश विल ऑल्सो बी स्ट्रेस फ्री, पूरा टैंक रेडी रहेगा। अभी मैं इतना काम नहीं करना चाहता हूं और स्ट्रेस होगा उनको। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोटोप अमेरिकन या साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स के लिए आपने देखा कि कैसे सेट हो सकता है, कैसे हम फटाफट सेट कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए एक बायोटोप, एंड फिश को अपना खुद का एक जगह मिले, वो हैप्पी रहे, खुश रहे, यही तो मकसद है। एंड मैं आशा करता हूं कि आपने ये बात अच्छे से सीखा। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा केयर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी हम अपना 4x4x2 टैंक, बड़ा टैंक को भी थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं और आप देखने वाले हो, ओके। सो जुड़े रहो, बने रहो, एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, एंजॉय, बाय बाय।